दिल्ली शिमला के बीच एयरलाइंस एयर आज यानी 26 सितंबर से उड़ान शुरू करने जा रही है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयरलाइंस एयर ने ये कदम बढ़ाया है। अभी तक एयर इंडिया की सेवाएं साप्ताहिक थी, लेकिन वे नाम मात्र के लिए थी। उड़ान नंबर 91821 दिल्ली IGI एयरपोर्ट से सुबह 7:10 पर प्रस्थान करेगी और 8:20 पर शिमला पहुंचेगी। दिल्ली शिमला का उद्घाटन किराया 2141 रुपए होगा, यानी दिल्ली से शिमला अब सिर्फ 1:10 में पहुंचा जा सकेगा, जबकि सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने के लिए करीबन 8 लगते हैं। इस विमान में खिड़की और उसके बराबर वाली सीटें हैं। कंपनी का दावा है कि विमान में यात्रियों को 30 डिग्री तक पैर रखने की खुली जगह उपलब्ध है। दिल्ली शिमला हवाई सेवा का उद्घाटन कार्यक्रम सोमवार सुबह गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट पर रखा गया। इसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल VK सिंह मौजूद रहेंगे। जनरल VK इस कार्यक्रम के बाद हिडन एयरपोर्ट स्टेशन पर इंडिया ऑयल कंपनी के गैस डिपो के शुभारंभ में भी शामिल होंगे। इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी होंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।